तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एशिया टेलीकॉम की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की नई लेटेस्ट बुक आई है, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई है ये। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन वाली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बुक है, ज़रूर इसे परचेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल फिरोज, आपका अपना चैनल पावर्ड बाय एशिया टेलीकॉम। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे हमारा नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तुरंत आपके पास इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल को देखा होगा और देखने से आपको समझ आ ही गया होगा, आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसा टूल जो कि मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 3 SMD रखे हुए हैं जो कि क्विक कंपनी के हैं, और अगर आपको SMD अगर लेना है फ्रेंड्स तो क्विक कंपनी की ही लीजिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इसके अंदर और ये जल्दी खराब नहीं होती है, ये एक बहुत अच्छा कंपनी है क्विक का। और मैं यहाँ पे बता दूं आपको, मैं किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्सनल अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ आपके साथ, पर्सनल अपना शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे नए फॉलोअर्स है, नए सब्सक्राइबर है और नए स्टूडेंट है जिसको पता नहीं, जो कि अभी अभी मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में नए आए हैं, तो ऐसे टेक्नीशियन भाइयों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे वीडियो ये अपलोड करते रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि आप क्या टूल पे वीडियो देखना चाहते हैं। यहाँ पे तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास क्विक का एक 858D यहाँ पे एक SMD रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटो कट होता है, बहुत अच्छा काम करता है ये भी। और यहाँ पे एक और SMD है क्विक KT, ये KT इसके साथ एक ब्रांड इसके साथ जुड़ गया है क्विक के साथ, ये KT का ब्रांड है 850A, जैसे ये देख रहे थे आप 858D है और ये 850A+ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको USB चार्जिंग वगैरह के लिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एयर सेट करने के लिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आप हीट सेट कर सकते हैं 450 के आसपास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप IC लेवल पे काम करते हैं, एक प्रो लेवल के टेक्नीशियन है, EMMC और CPU वगैरह, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, इन सारे CPU पे अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपको SMD एक अच्छी क्वालिटी की एक ब्रांड वाली लेनी पड़ेगी। ये जो है ये एक नॉर्मल काम के लिए चल जाता है, लेकिन इससे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अच्छा क्वालिटी का आपको टूल रखना पड़ेगा, क्योंकि टूल अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 SMD है, बहुत सस्ती होती है, यानी 2-2.5 हजार के आसपास आपको ये मिल जाएगी, 2200-2500 के आसपास। लेकिन फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट भी उतना ही रहेगा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको चार्जिंग पिन है या फिर छोटा मोटा कुछ काम करना है तो इससे आप कर सकते हैं, कनेक्टर वगैरह दोनों भी ऑटो होती है, ऑटो कट होती है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ESD सेफ है, ये तो आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं अगर आपका बजट 2-2.5 हजार का है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सजेस्ट अगर करना चाहूंगा तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक 857DW+, जैसे कि आप देख रहे हैं SMD रिवर स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्विक का एक ओरिजिनल यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं ओरिजिनल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पे लिखा हुआ है ओरिजिनल क्विक ओरिजिनल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उसका डॉट इसका वेबसाइट का एड्रेस भी है, ये बारकोड वगैरह है, तो ये सब आप चेक करके लीजिए यहाँ पे। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करना चाहूंगा अगर SMD तो आपको यही SMD लेने बोलूंगा, क्विक 857DW+। इसके साथ साथ एक और SMD आती है, क्विक 861 आती है, और आपको वो लेने की अभी जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा SMD है और ये 4.5 से 5 हजार के बीच में आपको मिलता है। इसका जो नोजल है फ्रेंड्स ये बिल्कुल लाइट वेट है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कितनी भी देर इस पे काम कर लीजिए आपका हाथ दर्द नहीं होगा, बहुत आसानी से ये यूज कर सकते हैं। और 861 जो होता है उसका ये जो नोजल होता है बहुत हैवी होता है, उसका भी मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा, हालांकि वो लेड फ्री होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। ये एक एवरेज वाला है, ये बेस्ट है आपको ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड या नॉर्मल EMMC खोलनी है, CPU खोलनी है, कंपोनेंट हो गया या फिर आपको प्लास्टिक कनेक्टर हो गया, जितने भी प्लास्टिक कनेक्टर है सारे PCB में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको लेना है तो 857DW+ लीजिए। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एयर कंट्रोलिंग के लिए दे दी गई है जगह, और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, इसमें क्या है फ्रेंड्स, टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाएंगे उसके हिसाब से आपको 8 ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, अगर फिर भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ एयर, तो ये वाली SMD में आपको ज्यादा एयर का जरूरत नहीं लगेगा, सिर्फ हीट आप जितनी रखते हैं उसके हिसाब से आपको इसकी हीट आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छा काम करता है ये, इस तरह का नोजल आपको मिलेगा।
यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल लाइट वेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट वेट। देखिए दो उंगली से भी मैंने इसको पकड़ लिया है, लेकिन अगर वही अगर आप 861 को अगर आप हाथ में लेते हैं तो बहुत हैवी वेट होता है वो, और उसमें आपका हाथ भी दर्द होता है, ज्यादा देर आप काम नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपने देखा होगा आईफोन वाले, वो आईफोन के जो टेक्नीशियन होते हैं वो SMD यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप इसमें भी काम कर सकते हैं, उसका एक अपनी अलग क्वालिटी है, और वो 15-16 हजार का आता है और ये 5 हजार का आता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीन मैंने आपको SMD बताई है, तो तीनों भी क्विक कंपनी की है, क्योंकि क्विक कंपनी अच्छी क्वालिटी होती है, उसका 2000 में भी वो अच्छी क्वालिटी देता है और 1500 में भी वो अच्छी क्वालिटी देता है। अगर वो 5000 की SMD दे रहा है उसमें भी वो अच्छी क्वालिटी देता है, और 861 जो होता है वो 15-16 हजार का आता है उसमें भी वो अच्छी क्वालिटी देता है। तो इसके टूल जो होते हैं, जो मटेरियल होता है वो अच्छा यूज होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसका पाइप है या फिर इसका नोजल है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको दिखने में इस तरह की दिखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कैरी करने के लिए भी बहुत आसानी से आप इसे कैरी कर सकते हैं, और इसके अगर बैक साइड में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, जैसे देख सकते हैं क्विक 867 DW+ रिवर्क स्टेशन इनपुट 220 वोल्ट AC पे ये चलती है, और यहाँ पे देख सकते हैं 580 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कंपनी का कुछ नाम वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है चाइनीज में, तो ये है 2019 में, हो सकता है ये 13 जून को ये यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो है ना, और जो डेट हुई थी इसकी ये है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अगर आप IC लेवल पे काम करना चाहते हैं, MMC CPU पावर पे काम करना चाहते हैं, तो ये SMD जरूर खरीदें, ये बहुत अच्छी SMD है। ये ले लेंगे आप तो कोई अलग से किसी भी प्लास्टिक कनेक्टर जलाने वाली, ऐसे काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे प्लास्टिक कनेक्टर नहीं जलता है ऐसे ऐसे, तो ये सारा काम ये करती है SMD, बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 450 के आसपास यहाँ पे हीट सेट कर सकते हैं आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो 400 के आसपास आपका CPU MMC सब निकल जाते हैं, चाहे वो पेस्टेड हो ब्लैक पेस्टेड हो, 400-420 के आसपास निकल जाते हैं। और यहाँ पे एयर देखे देख सकते हैं, यहाँ पे 8 तक यहाँ पे एयर के लिए इन्होंने दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एयर अभी पूरी फुल कर दी है, लेकिन साउंड इसमें देख सकते हैं बिल्कुल साइलेंट है, ये ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। यहाँ देख सकते हैं 450 पे मैंने हीट रख दी है और बिल्कुल भी साउंड नहीं है, एकदम साइलेंट SMD है ये, ये देखिए आप सुन सकते हैं कोई साउंड नहीं है इसमें, बिल्कुल साइलेंट है, बहुत अच्छी है। वैसे आप दूसरे SMD देखेंगे तो उसमें काफी सारी साउंड आती है, तो ये एक मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया फ्रेंड्स। तो SMD अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो एक बार लीजिए, अच्छी चीज लीजिए, अच्छी क्वालिटी की लीजिए, ये क्विक अच्छा ब्रांड है और आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, बाकी आप पर्सनली यूज करके ले सकते हैं जो आपको लेना है। अगर आप इस तरह के लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका पैसा मतलब जाम हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की है ये, और इससे हटके अगर कोई ऑर्डिनरी वाले लेते हैं तो उसमें आपका पैसा जरूर जाम हो जाएगा, जैसे काफी सारे दूसरे भी आते हैं, तो आपको वो वाले लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक SMD लेनी है, अच्छी लेनी है, और ये वाली लीजिए। आपने देखा होगा काफी सारे अच्छे लेवल पे टेक्नीशियन जो काम करते हैं ये वाली SMD यूज करते हैं, 857 DW+, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक मैंने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस दिया है आपको, और अगर आप सोचते हैं कि मैं 861 ले लूं तो वो मत लीजिए बिल्कुल भी, वो बहुत हैवी होता है उसका ये जो नोजल होता है। अगर आप आईफोन पे काम करते हैं तब लीजिए, बट एंड्रॉयड पे अगर आप काम करते हैं तो ये वाला SMD से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि इससे ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड माइक्रो जो भी आपको करना है, मतलब ब्लैक पेस्टेड IC खोलनी है या फिर व्हाइट पेस्टेड खोलनी है, येलो पेस्टेड खोलनी है, या कोई कंपोनेंट लगाना है, CPU लगाना है, CPU उतारना है, MMC लगानी है, पावर लगानी है, सारे कुछ काम इसमें हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी SMD है, यही चीज आपको बताना था। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, और भी हर एक टूल के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ यहाँ पे, तो थैंक यू वेरी मच।